वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ राशि एंड आज का ब्लॉग है नॉर्थ सिक्किम के बारे में, जिसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो था ईस्ट सिक्किम, गैंगटॉक, ये सब एरियाज़ के बारे में। एंड नाउ बारी है नॉर्थ सिक्किम की। अगर आपने पुराना वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं आज के ब्लॉग की। तो नॉर्थ सिक्किम में हम गए थे दो प्लेसेस, लाचेन एंड लाचुंग। तो उसमें सबसे पहले मैं लाचेन के प्लेसेस दिखाऊँगी जहाँ आप जा सकते हैं, एंड देन लाचुंग के प्लेसेस दिखाऊँगी। सभी जगह पर आपको बर्फ मिलेगी। दोनों के ही प्लेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, तो आई वुड मेंशन वन थिंग कि अपने साथ जाते टाइम कैम्फर यानी कि कपूर लेकर जरूर जाएं, क्योंकि जब आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी ना, हाइट पर जाकर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसा हम लोगों को आदत नहीं होती है, तो उसके लिए वो बहुत काम आएगा। एंड ट्रस्ट में वो आपके सेवियर की तरह काम करेगा, हमारे लिए तो एटलीस्ट बहुत कर रहा था। सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो की साइड। सो रास्ते में जाते हुए जब आप गैंगटॉक से लाचेन की साइड जाएंगे, आपको बहुत सारे फॉल्स दिखेंगे। आप बीच में रुककर उनका एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स ले सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फॉल्स के अलावा रास्ते में व्यू पॉइंट्स भी आते हैं। अगर आप अच्छे से टाइम लेकर अर्ली मॉर्निंग निकले ना, तो आप वो व्यू पॉइंट्स पर भी रुककर वहाँ के मौसम का एंड वहाँ के व्यू का ऑब्वियसली मज़ा ले सकते हैं। सो इवनिंग में लाचेन पहुंचने के बाद हमने नेक्स्ट डे स्टार्ट करा अपना जर्नी कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो वहाँ पर होटल से निकलने के बाद सबसे पहले पड़ता है आर्मी कैंप, जहाँ पर मिलता है सबसे अच्छा डोसा, हाईएस्ट डोसा पॉइंट। तो आप वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एंड इसके ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँचे काला पत्थर। काला पत्थर एक प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाइट पर है, एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी रहती है। बूट्स वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगे, वहाँ पर लोगों ने शॉप्स लगाई हुई हैं लोकल लोगों ने, तो आप वहाँ पे आराम से बूट्स वगैरह लेकर वहाँ पे बर्फ़ को इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी क्रू डोनमार्क लेक, एंड ये लेक वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया में से है। एंड इसका जो ऑल्टीट्यूड है, जो उसकी ऊंचाई है, वो 17,800 फीट, लाइक 17,800 फीट। एंड यहाँ पर यू कैन सी एक भी पेड़ नहीं है, कुछ भी ग्रीनरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ना ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो यहाँ पर जाने से बी कॉशियस, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा एज वाले लोग हैं या बहुत कम एज वाले लोग हैं, उनको ले जाना अवॉइड ही करें। बट येस, वहाँ का एक्सपीरियंस नो डाउट अमेजिंग है। सो लाचेन में ट्रैवलिंग के बाद हम शाम को पहुँचे लाचुंग, एंड यहाँ पर जो प्लेस है वो है युंगथान वैली एंड ज़ीरो पॉइंट। तो युंगथान वैली में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, याक राइड कर सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पर रिवर साइड है, लाचुंग रिवर है। एंड ये थे भैया जो हमारे साथ पूरी जर्नी में रहे। आप चाहें तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिना किसी डीलर के डायरेक्ट अपनी कैब बुक इनके थ्रू बुक कर सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका इनके साथ भी, प्लस प्लेसेस के साथ भी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।